सो, मैं आ चुका हूँ थाईपारा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मुझे जाना है सनम चाय जो खालसन रोड के लिए। अब ये मेट्रो लेके जाएगी। मैं जैसे मेट्रो आ चुकी है पीछे बैक साइड पे। मेट्रो वैसी ऑपरेट होती है जैसे हमारी दिल्ली और नोएडा में ऑपरेट होती है, सेम वही है। टोकन सिस्टम है, पास सिस्टम है। पास तो मेरी मेट्रो आ गई है। दिस अपकमिंग मेट्रो इज फॉर मी टू गो ऑनवर्ड फॉर सनम चाय। तो अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इस साइड काफ़ी रश है, जैसे अपने इंडिया में होता है नोएडा DMRC की तरह। दो लाइन है यहाँ पे, ब्लू एंड ग्रीन। इन थाईलैंड बैंकॉक ब्लू लाइन ओनली एंड ग्रीन लाइन ओनली। टू बोथ लाइन आर रनिंग, द कनेक्टिंग टू बैंकॉक टू इंटर कनेक्टिंग। At that time, I will visit Khalsan Road and nearest metro station is Sanam Chai. So I will get out from this metro in Sanam Chai metro station. फिर मैं उसके बाद आपको खालसा रोड के बारे में दिखाऊंगा। और खालसा रोड इज़ वेरी फेमस इन बैंकॉक। सो आई गिव यू लुक ओवर द इनसाइड द मेट्रो व्यू। मेट्रो इज़ अ डिसेंट चॉइस और वेरी चीप इन प्राइस। इसका मेरे को 21 बात में मिला है। अराउंड डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, टोकन सिस्टम है। आप टोकन ले सकते हो, स्लिप सिस्टम भी है कि आप स्लिप भी ले सकते हो, पर टोकन खोना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जिट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टोकन खो दोगे तो एग्जिट नहीं कर पाओगे, देन यू विल टेक अगेन बाय टोकन कॉइन। सो ये मेरे को 21 बात पड़ी। 21 बात इक्वलेंट टू 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के लिए 21 बात इज सफिशियंट। मैं समझता हूँ ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिया ये समथिंग 44 है। इंडिया के हिसाब से तो काफ़ी कॉस्टली है। दिस इज़ अ कॉइन, दिस इज टोकन कॉइन ऑफ मेट्रो। तो यही टोकन यहाँ पे ऐसा चलता है ब्लैक कलर का, और आई थिंक ग्रीन लाइन पे शायद किसी और कलर का टोकन चलता होगा। आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी तो मैंने ग्रीन लाइन पकड़ी नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट मेट्रो ट्रैवल इन ब्लू लाइन। आई विल लुक आउटसाइड द मेट्रो। आई शो यू आउटसाइड द लुक फ्रॉम दिस मेट्रो लाइन। टर्नल आ गया। खालसन रोड में ही है जो टेंपल है, बैट अरुणा करके, यही टेंपल्स हैं। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि थाईलैंड पे 200 थाई बात विल बी यू गिव टू इंटर द टेंपल। 200 बात टेंपल में जाने के लिए, तो ये मुझे अनजस्टिफाई लगा क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं और अदर कंट्रीज़ में भी नहीं है। इवन जैसे यूरोप में चर्चिस में एंट्री करना तो इट्स नॉट अ कॉस्ट। This is free, feel free and you will go without any charge put on you. You can go freely anytime. और यहाँ पर टाइमिंग जोन भी है टेम्पल का, मतलब तुम सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही विजिट कर सकते हो। 6 बजे भी ये मना कर देते हैं। इनका 9 to 4 है, 9 AM to 4 PM, और उसमें भी आपको 200 थाई बात देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब सी लगी। जो लास्ट वाला मेरा
वेट अरुणा करके, वो मैं विदाउट टिकट किया था। मतलब वो मुझे ऐसा हुआ था कि मेरे पे डॉलर्स थे, उसे और कन्वर्जन करना था क्योंकि मैं पूरे करेंसी एक ही बारी में एक्सचेंज नहीं करता। तो मुझे वहाँ पे डॉलर्स चेंज करने थे, वो ऑफिस उस मंदिर के अंदर था। मतलब यहाँ पे टेंपल को एज अ थोड़ा बिजनेस मानते हैं, मतलब एज अ बिजनेस की तरह रन होती है, यहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी ऐसी वर्क करती है। तो यही था, तो वही है हर टेंपल में जाने के लिए आपको 200 थाईबा देने होंगे। अकॉर्डिंग टू इंडिया INR 450 बात अप्रॉक्स, 450 INR अप्रॉक्स। स्टेशन है इट्स सारापा। तो क्लोज हो गया, गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, यू कॉन्ट बिलीव इट। हर 5 मिनट में मेरे को स्वेटिंग हो रही है। वो तो अच्छा है, मेट्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रैवल इन दिस हॉटी वेदर। कल मेरे को चेकआउट करना है यहाँ से, कल मैं पटाया जाऊँगा। पटाया मेरा स्टे है 3rd of April मेरा वहाँ पे स्टे होगा पटाया में। वहाँ पे रेड लाइट को एक्सप्लोर करेंगे हम। अभी मुझे लग रहा है अंडरग्राउंड हो गया है शायद, आई थिंक अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है। तो अभी तो बाहर का व्यू मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। बाकी सिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ के लोग मतलब सिक्योर है, ये तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ। थाईलैंड इज़ वेरी सिक्योर, एजुकेटेड पीपल्स हैं यहाँ पे और टेक्नोलॉजी को काफ़ी मानते हैं, जैसे चाइना मानती है ना वैसे ही ये भी को रिलेट कर सकते हैं इसे। मतलब यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं कि वेले सब, मतलब इंडिया में क्या होता है काफ़ी फ्रीली लोग होते हैं जो अपना टाइम काफ़ी फ्रीली मार्केट में या इधर उधर लगाते हैं। यहाँ पे सब पीपल्स वर्क टू वर्क काम करते हैं, मतलब ऐसा कोई फ्रीली रैंडमली ट्रैवल करते हुए नहीं देखेगा, सब अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रैवल करते हैं। सो मेरा स्टेशन आ गया सनमचाय एंड अब एग्जिट करना है। तो एग्जिट एग्जिट ऊपर से होगा यहाँ से, इस साइड से। काफ़ी नीट एंड क्लीन है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स भी है यहाँ पे, ऐसा सिंगल फ्लोर के मेट्रो नहीं है, डबल लाइन मेट्रो, डबल फ्लोर मेट्रो भी है। मतलब इसके ऊपर भी एक और मेट्रो होगी, सॉरी इनका एग्जिट ही, मतलब ये अंडरग्राउंड चल रहे थे। थैंक यू। तो कॉइन डालना पड़ेगा यहाँ से, एग्ज़िट के टाइम पे कॉइन को डालना है और एंट्री के टाइम पे आपको कॉइन को स्कैन करना है। ओके वी आर गो टू एग्ज़िट।
एग्जिट के ओके एग्जिट इस साइड है। इनका मेट्रो स्टेशन ऐसा लगता है जैसे हमारे इंडिया में सिनेमा हॉल होंगे ना, PVR, सिल्वर सिटी, लाइक डेट, ऐसे PVR जैसा लगता है इनका मेट्रो स्टेशन। तो ये एग्जिट है। सो नीट एंड क्लीन एकदम, काफ़ी साफ है यहाँ का मेट्रो एकदम। आपको मेट्रो स्टेशन में ATM भी मिल जाएगा। वाओ नाइस यार। ओह माय गॉड, कितने सारे फ्लोर हैं इसमें, एस्केलेटर हैं ऊपर जाने के लिए। 2 फ्लोर मेट्रो थी ये। वैसे मेट्रो लाइन तो एक ही है पर इसमें फ्लोर इतने पता नहीं क्यों बना रखे इन्होंने। सो मैं आ चुका हूँ सनम चाय मेट्रो से आउट। क्या गर्मी है यार, मेट्रो से बाहर निकलते ही एकदम उफ। लुक आई वेट तथा आपको मैं 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, इस पॉइंट से। एंड अपने मोबाइल में मैं गूगल मैप लगा लेता हूँ। और ये सब टुक टुक है पीछे, ये आपसे 20 बार चार्ज करेंगे। और गर्मी में भी इससे अच्छा आप मेट्रो लाइन को ही फॉलो करना, क्योंकि उसमें आपको AC मिलेगा और काफ़ी ठंडा रहेगा। इसमें आप उतना ही बात इक्विवेलेंट, क्या पता इससे भी ज़्यादा आपको पे करने पड़े। जैसे वहाँ पे मेरे को 21 बात लगे 6 किलोमीटर ट्रैवल के लिए, क्या पता ये 50 बात भी चार्ज कर ले, 40 बात भी चार्ज कर ले। तो यू शुड यूज़ मेट्रो लाइन। हाँ मुझे लगता है कि खालसा रोड पहुँच के शूट करना पड़ेगा। खालसन रोड ओके, अभी मैं ट्रैवल करता हूँ खालसा रोड, एक बार पहुँच जाऊँगा तो नया ब्लॉग शूट करते हैं। ओके तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे इस तरीके की बसेस भी चलती है, जैसे मेरे पीछे बस आ रही है ना। पर अब खालसा रोड 1 किलोमीटर है तो सो आई थिंक मुझे वॉक करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा दूर है, बाद में एक नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, वो खालसा रोड पे ही होगा। तब तक के लिए बाय।